नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आ चुका हूं आपके सामने एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर के। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भर्ती कौन सी है। भर्ती तो आपके सामने दिख रही है, भर्ती है ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह वैकेंसी है। इसमें हम लोग जानेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या रखा है। हालांकि पद इसमें थोड़े कम हैं, लेकिन आवेदन भी इसमें बहुत ही कम आने वाले हैं। क्यों, उसका कारण हम आगे जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यह जो वैकेंसी है दो पदों के लिए, यानी कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए यह भर्ती है। इसमें सैलरी कितनी मिलती है, एज लिमिट क्या रखी गई है, हाइट क्या है, रनिंग कितना होता है, पोस्टिंग कहां पर होती है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, वो अभी नोटिफिकेशन के साथ में, ठीक है। और दोस्त, यदि आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही तमाम जो भी छोटी मोटी बड़ी भर्तियाँ आती हैं सभी का नोटिफिकेशन और GS GK के संबंधित वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को यहाँ पर लाइक भी कर देना है और सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा देना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं यह वैकेंसी अभी आज ही यानी कि आज के डेट में आई है। और इसका फॉर्म की बात करें तो फॉर्म भी 29 अक्टूबर से यानी कि आज से शुरू हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से यह वैकेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस के फोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। यह जो पुलिस बल है यह इंडिया और तिब्बत यानी कि जो चाइना वाला जो तिब्बत है नेपाल के ऊपर, ठीक है, ऊपर भारत के बगल में तिब्बत वाला एरिया जो है उसी की सुरक्षा के लिए यह फोर्स लगाई जाती है। तो देखिए यह दो पदों के लिए यानी कि दो पोस्ट के लिए है। पहला पोस्ट है हेड कांस्टेबल जिसका नाम है मोटर मैकेनिक्स। इसके लिए टोटल 58 वैकेंसी है, जिसमें से UR यानी जनरल के लिए 26, EWS के लिए 6, OBC के लिए 14, SC के लिए 8 और ST के लिए 4। टोटल 58 वैकेंसी हेड कांस्टेबल के लिए है और कांस्टेबल के लिए है 128 वैकेंसी टोटल, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहां पर आप देख लीजिए टोटल कितने पद हो जा रहे हैं, 58 और 128 को मिलाएंगे तो टोटल हो जाएंगे 186 पद, ठीक है, 186 पद हो जाएंगे। कैसे कैसे आवेदन करना है तो www.recruitment.itbp पर जा करके आप इसका भर्ती का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन यदि आपको यह फुल चाहिए तो आपको हमारे चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड टेलीग्राम का चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल के ही नाम से टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर हम PDF को डाल देंगे। तो चलिए यहाँ पर सैलरी की बात करें तो पे स्केल यहाँ पर बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, जो हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स के लिए है। लेवल चार की सैलरी है और 25,000 से 81,000 सेवन पे के अनुसार मिलेंगे। यह तो बेसिक सैलरी है, इसके अलावा इसमें जो DA है 38% है, सैलरी का 38% और जोड़ेंगे यानी कि 40 से ऊपर यह सैलरी आपको शुरुआती सैलरी मिलने वाली है। और कांस्टेबल के लिए लेवल तीन की सैलरी है, इनके लिए भी अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल यानी कि मोटर मैकेनिक्स, MM का क्या मतलब है मोटर मैकेनिक्स। और यहाँ पर बिटवीन एज लिमिट 18 से 25 होनी चाहिए, अभी डेट भी हम दिखा देंगे। इसमें क्या चाहिए, 10+2 यानी कि इंटर आपको चाहिए किसी बोर्ड के साथ, ठीक है। इंटर के अलावा यहाँ पर सर्टिफिकेट इन मोटर मैकेनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन 3 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द ट्रेंड मतलब ट्रेड कह रहा है कि इसका मतलब है कि ITI यहाँ पर क्या लिख दिया है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका मतलब है कि आपको मोटर मैकेनिक्स के साथ ITI, ठीक है, ITI होना चाहिए और उसके साथ 3 साल का आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अपने ट्रेड में होना चाहिए, या उसके अलावा नहीं है तो यहाँ पर क्या कहा है, 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यदि आपके पास हुआ नहीं है तो 3 साल का आपके पास यदि ऑटोमोबाइल के इंजीनियरिंग, ठीक है, समझ रहे हैं, ऑटोमोबाइल में यदि आपने 3 साल का पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेबल मोटर मैकेनिक्स के लिए है 18 से 25 ईयर इसमें भी एज है, इसमें 10th मांगा गया है मैट्रिकुलेशन, और दूसरा नंबर का पॉइंट है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें आपको 10th चाहिए प्लस ITI,
ठीक है, टेंथ है तब भी आपको आईटीआई चाहिए। यदि यहाँ पर क्या लगा दिया है, आर, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से समझना है, आर। यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो यहाँ पर दे रहा है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन, ठीक है, रिस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फर्म, यानी कि 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर मैकेनिक्स के क्षेत्र में, यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको इसी से अंदाज़ा लग जाएगा जो इसमें मांग दिया है आईटीआई, या फिर यहाँ पर ऊपर वाले में डिप्लोमा मांग दिया है एक्सपीरियंस के साथ आईटीआई या फिर डिप्लोमा, तो यहाँ पर आवेदन बहुत ही कम आने वाले हैं। यदि आप इस कैटेगरी में आते हैं तो वैकेंसी में कंपटीशन बहुत कम होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट कब से लिया जाएगा, 27 नवंबर 2022, ठीक है, शुड नॉट हैव बीन अर्लियर देन 28, यानी कि 1997 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 27 तारीख की ग्यारहवां महीना 2022 के अंदर ही आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए। अब इसके अलावा देखिए जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर छूट भी मिल जाएगी। एसटी एससी कैटेगरी में है तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी में नॉन क्रिमिनल ईयर के लिए 3 साल का छूट मिलेगा एज में, और यक सर्विस मैन यानी कि जो भी हमारे रिटायर्ड फौजी भाई हैं, ठीक है, उनके लिए 3 साल का डिडक्शन फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज, यहाँ पर दे दिया है एज रिलैक्सेशन, आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितनी भी है हम आपको बता देंगे, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि जो आपका शारीरिक दक्षता है उसकी बात कर रहा है, फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी एस्पेक्ट कैटेगरी मेंटेन बिलो, यानी कि कुछ कैटेगरी को नीचे दिया गया है उनको छोड़ करके सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है, और यहाँ पर चेस्ट है 80 रहना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव प्लस 80 यानी कि 85 टोटल आपका हो जाना चाहिए। और यदि आप जम्मू कश्मीर से हैं, ठीक है, कुमायूनी गढ़वाली या फिर महाराष्ट्र के ऐसे कैंडिडेट हैं जहाँ पर यहाँ पर आप यह सब क्षेत्र देख सकते हैं, यूटी, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, यदि आप इन सब क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं तब आपके लिए 165 सेंटीमीटर ही हाइट मांगी जाएगी, और यहाँ पर चेस्ट में भी देख सकते हैं छूट मिलेगी। अन्य भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि आप इन सब एरिया से हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगा। वेट की बात कर लें तो करिस्पॉन्डिंग द हाइट एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी आपके हाइट के हिसाब से आपकी वेट दिया लिखा मतलब देखा जाएगा। आई साइट यानी कि आंखों की बात कर लें तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंट विजुअल सेल भी 6x6 एंड 6x9 बोथ आईस विदाउट करेक्शन विदाउट वार्निंग स्पेक्टिकल्स ऑफ लेंस, ठीक है। तो 6x6 और 6x9 की आंख इसमें मांगी गई है। बेटर क्या होता है, यन 6 होता है, रॉस आई होता है यन 6, और बेटर 6x6 और यहाँ पर 6x9 यहाँ पर आई को मांगी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टैटू की बात करें, टैटू के लिए भी यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब उसके अलावा हाउ टू अप्लाई एंड विच डेट यानी कब से इसे अप्लाई किया जाएगा, तो अप्लाई होना शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आया है। अब यहाँ पर देखेंगे कितना रुपया लगेगा, तो यहाँ पर यू आर ओ बी सी ई डब्ल्यू एस कैटेगरी अप्लाइंग दिस रिक्रूटमेंट विल हैव पे 100 रुपये, यानी 100 रुपया यहाँ पर आपको अप्लाई करने का शुल्क लगेगा, आवेदन शुल्क लगेगा। और यहाँ पर अप्लाई कब से होगा, 29 अक्टूबर 2022 से 27 नवंबर 2022 तक इसे अप्लाई करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो फेज वन है इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, 1.6 किलोमीटर रेस, ठीक है, मेल के लिए 7 मिनट 30 सेकेंड, तो बहुत ही आसान यहाँ पर रेस है, जिसका निकल गया रेस निकल ही जाएगा। और लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस में, यह भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और हाई जंप 3.5 फीट 3 चांस में यहाँ पर लिया जाएगा। अब पीएसटी की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पेट विल बी स्क्रीन द हाइट चेस्ट, यानी कि जिनका भी पी इसमें निकल जाएगा यानी कि रनिंग में निकल जाएगा, उसके लिए यहां पर सब चीज़ देखा जाएगा जैसा कि हमने ऊपर बता दिया है, ठीक है। और वेरिफिकेशन तीसरा स्टेप होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हर एक वैकेंसी में होता है, तो यह आपको पता ही है। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस की बात कर लें, तो सिलेबस यहाँ पर 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका आएगा जीके, यानी जीके से आएगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, हिंदी से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, यानी 40 हो गए यहाँ पर, और 60 क्वेश्चन आएगा
ट्रेड रिलेटेड थ्योरी यानी मोटर मैकेनिक से 60 क्वेश्चन आएगा, यानी कि टोटल 2 घंटे मिलेगा आपको 100 क्वेश्चन हल करने के लिए, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। अब क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल, फिर यहाँ पर जो दूसरा फेज आपका होगा इसमें प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट किया जाएगा, जिसमें व्हीकल इंस्पेक्शन के लिए 15 मार्क दिए जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्ट्स के लिए 15 मार्क्स और रिफ्लेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स के लिए 15 मार्क और हैंडलिंग ऑफ टूल्स के लिए यहाँ पर 5 मार्क, यानी टोटल 50 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होगा। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, यानी कि आफ्टर कंप्लीकेशन द प्रैक्टिकल स्किल, यानी कि प्रैक्टिकल स्किल के बाद ही, प्रैक्टिकल स्किल के बाद ही आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है। डिटेल उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा, तो यह सब बाद की चीज़ है, पहले यह सब जान लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर, और यदि आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो हमने इसका जो लिंक है, जो PDF है, हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही कोई भी भर्ती आए हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है। जय हिंद।